नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्यों जो है पैसा या फिर कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेट या फिर एटीएम या फिर कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट को कॉपी करना क्यों मुश्किल होता है। जो डॉक्यूमेंट बेसिकली सेंसिटिव होता है, जिसको कॉपी नहीं चाहते हैं कि कोई करे, ऐसा डॉक्यूमेंट को कॉपी करना क्यों मुश्किल होता है, और ख़ासकर पैसे को, और क्यों जो है सो हर कोई नहीं उसको प्रिंट कर पाते हैं। ऐसे ही जो है सो प्रिंटर में घुसा है, प्रिंट करके पैसा निकला और जो है एकदम उलाते गए। तो इसका मेन रीज़न है, पहले के ज़माने में होता था, पहले जो है सो लोग कर पाते थे, नॉर्मल प्रिंटिंग होता रहा तो आसानी से कॉपी कर लेते थे और ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बना लेते थे, ताकि जो है सो क्लब में घुस सके, कहीं सामान खरीद सके या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ में दिखा सके कि हम ओवर 18 है, या फिर कहीं भी जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल हो गया है। तो क्यों मुश्किल हो गया? तो कई सारा जो है बेसिकली मेन रीज़न जो है अब मुश्किल होने का, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो अपने पेपर्स को, जो भी जो डॉक्यूमेंट्स उसको प्रिंट करने में जो टेक्नोलॉजी यूज करती है सरकार या फिर कोई भी, उस टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ये मुश्किल हो गया है। तो कौन कौन से टेक्नोलॉजी है आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो पहला जो है वो है होलोग्राम। होलोग्राम एक ऐसा चीज़ है जो को कॉपी करना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। आसानी से आपके पास डिवाइस नहीं होगा वो कि आप होलोग्राम कॉपी कर ले। हर एक नोट पे होलोग्राम होता है और हर एक चीज़ पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हर चीज़ पे होलोग्राम एक होता ही है। बुक सब पे होलोग्राम आता है। तो फिर भी होलोग्राम कॉपी कर सकते हैं अगर आपके पास एक उस तरीके का डिवाइस है तो। लेकिन अगर आप उसी के जगह होलोग्राम को जो है सो उसमें टेक्सचर्स बना दीजिए, उसके अंदर कुछ अजीब तरीके से लिख उख दीजिए, और क्या बोलते हैं उसको, टेक्सचर बना देने का मतलब है फाइन डिटेल्स में कुछ डाल दीजिए, तो वो भी उसको कॉपी करना और मुश्किल हो जाता है। तो इसी यही वजह है कि होलोग्राम आसानी से कॉपी नहीं हो पाता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ पर चलते हैं। और होलोग्राम के बाद जो सबसे मेन चीज़ आता है वो है अटेंशन टू डिटेल। कहने का मतलब कि उसमें जो डिटेल दिया रहता है सेम टू सेम आपका कहीं भी कॉपी करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एकदम सेम टू सेम बनाने का कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो छूट जाएगा। जो भी नकली चीज़ होता है उसमें कुछ ना कुछ ओरिजिनल से अंतर हो जाता है। तो मतलब अटेंशन टू डिटेल भी एक जो चीज़ है जिसके वजह से, मतलब इतना सारा डिटेल दिया रहता है एक बैंक के नोट में कि पूरा का पूरा डिटेल कॉपी करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा होता है कि उसका इंक, उसमें जो जिस इंक से उसको प्रिंट करने के लिए मतलब यूज़ किया जाता है, जो इंक उसको प्रिंट करने में, वो इंक एक ऐसा इंक होता है जो थर्मली सेंसिटिव होता है। कहने का मतलब अगर आप उसको हीट जनरली उसको कॉपी करने का कोशिश कीजिएगा तो उसको उस पर हीट डालना पड़ेगा, और जैसे ही आप हीट डालिएगा वो कलर चेंज कर देगा, जिससे कि आप पता चल जाएगा सबको कि जो है इसको जो है सो बेसिकली कॉपी करने का कोशिश किया गया। आप कभी पैसा को जला के देखिए, वो जो है सो नॉर्मल पेपर की तरह नहीं जलेगा, वो रंगीन जलेगा दूसरे तरीके का। लेकिन जलाइएगा नहीं, ये लीगल है, लेकिन एजुकेशन पर्पस के लिए बता देते हैं कि वो रंगीन या फिर दूसरे तरीके का जलता है। नया जितना भी 2000 1000 का नोट आ रहा है, 1000 का नहीं, 2000 का जो नोट आ रहा है या 500 का जो नोट आया है, तो ये भी। और तीसरा बात है कि जो प्रिंटिंग होता है उसका क्या कहते हैं, वो 2D में होता है बेसिकली, सॉरी 3D में होता है। कहने का मतलब उसको आप छू के देखिएगा ना नोट को, तो उस पर जो है सो टेक्सचर्स नज़र आएगा कि मतलब उसके ऊपर से जो है सो मतलब फील होगा कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जिससे कि जो लोग देख नहीं सकते वो भी आसानी से जो है सो पढ़ पाएंगे कि उसके अंदर में वो एग्जैक्टली जो है सो क्या लिखा हुआ है। तो यही सब है। और भी बहुत सारा चीज़ है जो नॉर्मल है, डिटेल्स है, जैसे कि उसको लाइट के ऊपर ले जाइएगा तो आपको अंदर में कुछ कुछ लिखा हुआ दिखेगा। तो एक बैंक नोट बनाना ऑलमोस्ट बहुत ही मुश्किल बना देता है यही सब चीज़। तो और भी बहुत सारा चीज़ है, तो यही सब चीज़ जो मेनली है, खासकर इंक और ये होलोग्राम वाला जो था ये इम्पोर्टेंट था, ये सब जो है सो उसको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है कॉपी करना। और इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज़ है जो हमको पता नहीं है, क्योंकि वो सब सीक्रेट होता है, उसको बताया नहीं जाता है जनरली। लेकिन आप जैसे जैसे नोट को ऑब्ज़र्व कीजिएगा आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल पता चलते जाएगा कि क्या क्या और क्या क्या चीज़ें, बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे नोट में गांधी जी का अंदर में जो है सो मुँह दिखता है, वो आसानी से कॉपी करना बहुत ही मुश्किल है। आप करके देखने का कोशिश कीजिए, पता चल जाएगा कितना मुश्किल है।
यही सब जो है चीज़ से बहुत सारा मुश्किल, और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि सबको पता नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ जो है सो जनरली गवर्नमेंट छिपा के रखती है कि हमारे आईडी कार्ड में ये है वो है अनसेंट है जो भी है। जैसे कि एक अफवाह उड़ा था कि जो है सो 2000 के नोट पर चिप लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई चिप नहीं लगा हुआ है। तो यही सब बेसिकली जो है सो नॉर्मल डिटेल सब था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस आउट।